भारत का इकलौता ऐसा साइंस इंस्टीट्यूट जिसने हमें पहला नोबेल प्राइज दिया। भारत का ऐसा इंस्टीट्यूट जो ऐसी बैंगलोर से भी पुराना है और एशिया का सबसे पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो IITs, एम्स, आइजर्स, नाइजर को भी टक्कर देता है इन इट्स रिसर्च। नेचर इंडेक्स में तो ये दुनिया में अमंग टॉप 10 में आता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस IACS कोलकाता के बारे में। अगर आप एक JEE या नीट स्टूडेंट हो और आपको आइजर नाइजर के बारे में पता है लेकिन IACS के बारे में नहीं जानते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इस वीडियो में आपको मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, इस इंस्टीट्यूट के बारे में, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिपेयर कैसे करें एंड सो ऑन। हाई एवरीवन, दिस इज आपके विवेक भैया, एलमनस ऑफ नाइजर भुवनेश्वर, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। IACS कोलकाता वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1876, 1800s में establish हुआ था। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन एशिया, जैसा मैंने बताया। अ पब्लिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ कोलकाता। नाउ डॉक्टर सी वी रमन ने यहाँ रिसर्च की थी, डॉक्टर मेघनाथ साहा ने यहाँ रिसर्च की थी। चलिए अब बात करते हैं आखिर यहाँ का फीस और स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर क्या है। साल भर की, पूरे साल भर की पढ़ाई की आपकी फीस है 13,500 रुपीज़, अदर देन फूड, ठीक है, फूड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है, बट एक्चुअली फर्स्ट ईयर में सिर्फ एडमिशन फीस जो इंक्लूड होती है, राइट, एंड थोड़े से अदर फीस, इसलिए यहाँ सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है, अदरवाइज साल भर की इतनी है। इट इज़ मच लेस एज कम्पेयर टू आइजर्स, क्योंकि आपको भी पता है आइजर्स में 80,000 to 1,00,000 रुपीज़ एवरेज फीस होती है एक जनरल स्टूडेंट की। अबाउट द स्कॉलरशिप, तो अगर आप अच्छा CGPA मेंटेन करते हो, क्योंकि दिस इज़ 5-year इंटीग्रेटेड BSMS कोर्स, राइट, सो फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में आपको 12,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। समर के लिए भी आपको कंटिजेंसी मिलती है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप और कोई स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, इंस्पायर हो गया या पहले KVPY होता था, तो आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता था, एंड इनमें से आप एक ही स्कॉलरशिप ले सकते थे। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट IACS। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपको IACS में मिलेगा। वर्ल्ड वाइड अगर आप रैंकिंग देखोगे नेचर इंडेक्स की, 2021 और 2022 दोनों सालों में 6th रैंक थी इसकी इन द एंटायर वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं कर रहे हम, राइट, एंड हमारे महान साइंटिस्ट यहाँ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें IACS एग्जाम के लिए, तो क्लास 10 प्लस 2 क्वालिफाई होना चाहिए, PCM कंपलसरी है, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी में आप कोई भी एक सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड इवन 2 times ड्रॉपर्स अलाउड हैं। एक्चुअली 2 times क्या, और भी ड्रॉपर्स अलाउड हैं। आप आगे आके देखोगे कि कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको 10+2 कौन से साल में ख़त्म होना चाहिए। दैट मीन्स वी डोंट नो, मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट सेकेंड ड्रॉपर या कितने ड्रॉपर्स अलाउड है ये तो स्पेसिफिकली वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ है। परसेंटेज की अगर बात करें, तो जैसा नाइजर और CBS की वेबसाइट में होता है कि बाकी कैटेगरीज के लिए STSC, PWD, इन सब के लिए 55% होता है, लेकिन यहाँ लिखा था 60% इन 10+2, तो दैट्स ऑल वी नो। UPSC की परफॉर्मेंस और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस में आपको जज किया जाएगा। लास्ट ईयर टोटल 80 कैंडिडेट हुए थे। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको हर सही आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे, एंड फॉर एवरी 3 wrong answers यू विल गेट -1 marks। टोटल 3 hours ड्यूरेशन होता है एग्जाम का, 2 PM to 5 PM। टोटल 80 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर, 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईदर बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। नाउ फॉर इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग योर बेस्ट, ये जो 3 sections है ना कंपल्सरी सेक्शन, यहाँ से आपका स्कोर के बेसिस पे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, नॉट फ्रॉम दिस। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट दी स्कोरिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग, सो आपका PCM में जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इट विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम परफॉर्मेंस विच इंक्लूड्स ऑल द 4 subjects एंड द इंटरव्यू, राइट, एंड टोटल इसका आउट ऑफ 100 की स्केल में आपको मार्क्स मिलेंगे एंड मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। दीज आर सम ऑफ आर स्टूडेंट्स इन 2024। We have All India Rank 7, Sakshi. We have All India Rank 10, Devi Prasad. We have Ishika, All India Rank 23, and All India Rank 16, Somjit. So all of these are general category ranks, All India Ranks, and I'm very proud to have students like this. These are some of our students and selections in IIT 2024 examination. Over 500 selections, right? And these are some of our NEST selections. We had over 100 selections in NIZER out of 200 seats.
दीज आर सम ऑफ आर अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम केवी पोआ एंड अदर एग्जाम्स. अगर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर्स, चैप्टर वाइज प्रीवियस पेपर्स, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, पर्सनल इंटरेक्शन सेशन, सब कुछ आपको हमारे विक्रम टू एंड कलाम बैच में मिल जाएगा. दिस इज फॉर हिंदी लैंग्वेज, दिस इज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल द सेम थिंग्स लाइक इंक्लूडिंग लाइव क्लासेस एंड ऑलरेडी लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Now, these are some of the best books that we have launched if you want to prepare for this exam. These are our students, either Bhopal, either Mohali, neither Bhubaneswar, and over 2000 such students in all the premier research institutes around India. अगर आपको कोई सवाल है, परेशानी है, मुझे कमेंट में बता सकते हो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको कोई सवाल है, परेशानी है, डाउट्स है, तो कमेंट में लिखना मत भूलना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा. With that, all the best. See you at your dream institute. जय हिंद.